ऑब्वियसली एक प्लान तो था, बिकॉज हमें ये पता था कि एक ओवर डालने पावर प्ले में कोई ना कोई स्पिनर आएगा ही। तो ऑब्वियसली शिकिबा इतना अच्छा बैटिंग कर रहे थे पावर प्ले में, तो वो ही फ्लो में थे और अच्छा पावर प्ले गया। और फिर जोफ्रा आर्चर का तो पता ही था, बिकॉज वो काफ़ी शॉर्ट बॉल्स और यॉर्कर्स पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, सो हम लोग वो माइंडसेट से प्रिपेयर थे। I think it makes sense, if someone else is going better than you, in the power plays. Like Shikibai is playing a couple of games, he has done a great job in the power play. I just can't go there and smash every ball. I have to be mentally prepared as well, to play that sort of innings. तो मुझे लगा जब शिकिबाई मार रहे थे, सो ऑब्वियसली माय नो एक लकीली कैच छूट गया, तो मुझे लगा कि मुझे गेम डीप लेके जाना चाहिए, बिकॉज अगर शिकिबाई ये फ्लो में रहे तो अगर गलती से भी वो आउट हो गए तो शायद डीप लेके जाना पड़ेगा, और वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए इतना अच्छा इनिंग्स खेल के। फिर अय्यर जल्दी आउट हो गया, बट मेरे को ट्रस्ट था अपने पे कि मैं बाद में कर सकता हूँ, अगर अभी नहीं लग रहे तो मैं ट्राई करूँगा डीप लेके जाने गेम को। एंड देन अगेन ऋषभ वॉज ऑब्वियसली इज़ द बिगेस्ट फिनिशर ऑफ द गेम इन T20 राइट नाउ एंड फॉर आर टीम स्पेशली। सो या आई मीन आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर माई चांस, एंड देन मैं थोड़ा गेयर बदला बाद में, एंड देन एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। आई थिंक जब वो लोग स्टार्ट कर रहे थे, जैसे अज्जू भाई ने सुपर इनिंग्स खेला उनके लिए और बाद में स्मिथ ने भी अच्छा खेला, तो काफ़ी अच्छा विकेट लग रहा था हमको जब। और मुझे लग रहा है कि हम लोग ने 13 से 20th ओवर तक काफ़ी अच्छा 7 ओवर्स वो काफ़ी अच्छा डाले, नहीं तो फिर 210-220 हो सकता था स्कोर वो लोग का, बट हमारे बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया बाद में। और 190 ये विकेट देख के हमें लग रहा था कि हम बना सकते, और बाउंड्रीज इतने बड़े थे, तो आई थिंक हम में से एक जन को तो पावर प्ले में चांस लेना है था, चाहे शिकिबाए हो चाहे मैं हो। अगर शिकिबाए का नहीं लगता तो मैं चांस लेता था, बट वो काफ़ी अच्छा खेले उन्होंने पावर प्ले में, सो ये एक प्लान था। हाँ जी बिल्कुल, बहुत कुछ, बिकॉज आप देखे जाए रिकी सर आपने मेंशन किया, सौरभ सर, कैफ सर, प्रवीण आमरे सर है, शिकिपा जी है, तो सारे इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, हमें भी पता चलता है मेंटली कैसे आपको खेलना है, ये स्ट्रैटेजीज कैसे बनाने, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। और एक अच्छी बात, टीम में ये बॉन्ड इतना बढ़िया हो गया है इतने मैचेस खेल के, इतने प्रैक्टिस सेशंस करके, कि एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है हमें। हम लोग खुद खुद का नहीं इतना देखते जितना टीम का सोचते हो, कि कोई आज कोई क्लिक बंदा एक बंदा कोई 100 कर जाए, कोई 50 कर जाए, कोई मैच जिता दे, तो ये सब सोच हमारे टीम बॉन्डिंग में आ गया है, तो इससे आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये जो सौरभ सर है हमारे एडवाइज़र, और रिक्की सर है, कैफ सर है, काफ़ी फ़र्क होता है हमारे जब इतने एक्सपीरियंस प्लेयर आ जाते हैं, तो काफ़ी बॉडी लैंग्वेज में भी फ़र्क पड़ता है। और ड्रेसिंग रूम में यंगस्टर्स, मैं, संदीप वगैरह यंगस्टर्स हैं, मंजोत है, बट कभी यंगस्टर लगने नहीं दिया, सेम ग्रुप में रखा जो जिसमें सब है, तो ऑफ द फील्ड भी या ऑन द फील्ड भी सब लोग एक साथ रहते हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली सौरभ सर भी रहते हैं हमारे साथ चिल करते, जब प्रैक्टिस नहीं रहता है तो डिनर करते साथ में, तो काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो गया। वन लास्ट क्वेश्चन, या नहीं ऐसा तो मैंने सोचा नहीं बैटल लीटर का, आई मीन काफ़ी खुश हूँ उसके लिए एक्चुअली। इतने लास्ट ईयर वो नहीं गया था, बट ये साल उसने कम बैक किया और काफ़ी अच्छा कर रहा है IPL में, सो आई होप ही डज वेल। और आई मीन काफ़ी अच्छा लगता है जब आप जब अंडर 19 वर्ल्ड कप का कैप्टन मैं था, तो उसमें से काफ़ी हम लोग सब लोग काफ़ी IPL खेल रहे अभी, तो काफ़ी एक अच्छा लगता है जीतने के बाद, काफ़ी हम लोग आ रहे हैं दिखने में, सो ये बहुत अच्छा खुशी की बात है मेरे लिए, चाहे गिल हो, अभिषेक हो, अनुकूल हो, और रियान, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है।